हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में जानेंगे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और द IT एक्ट, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको ITA 2000 या IT एक्ट भी कहा जाता है, इज़ एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको नोटिफाई किया गया था 17 अक्टूबर 2000 में, ओके। इट इज़ अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये एक प्राइमरी लॉ है इंडिया का जो डील करता है साइबर क्राइम से एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। साइबर क्राइम जो इंटरनेट पे जो भी क्राइम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, बुलिंग होती है, उन सब से ये डील करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जितना भी सेल परचेज जो भी ट्रांसफर होता है, डिजिटल डेटा, ओके, उसका एक्सचेंज होता है, वो सारा, उसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर IT एक्ट को लागू किया जाता है, फॉलो किया जाता है, राइट। इट कंसिस्ट्स ऑफ 94 सेक्शंस। इसके अंदर 94 सेक्शंस हैं डेट आर डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स, जो 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं। पर्सन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज कैन ऑल्सो बी इंडिक्टेड अंडर द लॉ इफ द क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो लोग जो इंडियंस नहीं हैं, बाहर के हैं, फॉरनर हैं, राइट, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है अगर उन्होंने ये क्राइम इंडिया में बैठ के किया है, इंडिया की डिवाइसेस का यूज़ करके किया है, इंडियन नेटवर्क का यूज़ करके किया है, ओके। नाउ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द साइबर लॉज इन इंडिया एंड प्रोविजंस फॉर लीगल एक्शन एंड पनिशमेंट हैव बीन एक्सप्लेन इन नटशेल इन द गिवन बिलो टेबल। तो यहाँ पे साइबर लॉज को एक टेबल की हेल्प से आपको समझाया जा रहा है नटशेल में, ओके। यहाँ पे कुछ सेक्शंस यहाँ पे बनाए गए हैं, 67A, इसमें इसके अंदर कौन सा ऑफेंस आता है, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, राइट। ऐसी इमेजेस को पब्लिश करना जो कि सेक्सुअल एक्ट्स प्रेजेंट करती हो, ओके। तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है अगर आप ऐसा करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, जेल, और फाइन अप टू 10 लाख, या फिर 10 लाख का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 67B, पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। चाइल्ड पोर्न को पब्लिश करना, उनको पोस्ट करना, या फिर छोटे बच्चों को प्रीडेट करना, मतलब उनको भला फुसला के ऑनलाइन उनके साथ गलत काम करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है, क्या सज़ा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की जेल, और फाइन अप टू 10 लाख, और 10 लाख का आपको फाइन देना सकता है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। जब आपने ये फर्स्ट टाइम किया है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल की जेल, और फाइन ऑफ 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन, अगर आपने दोबारा वो काम किया है, राइट। नाउ सेक्शन है आपका 67C, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय द इंटरमीडियरीज, राइट। इंटरमीडियरी शैल प्रिजर्व एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो मेंटेन करने के लिए देता है, इंटरमीडियरीज ऑर्गेनाइजेशंस को, जो बीच की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाती, वो उसको लीक कर देती हैं, राइट, या उन गवर्नमेंट का क्रूशियल डेटा हैक हो जाता है, इस केस में क्या पेनल्टी होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 2 लाख, राइट। तो 3 ईयर्स की जेल या 2 लाख का फाइन, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 68, फेलर और रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। अगर आप आईटी एक्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करते हैं, मींस उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको सजा मिलेगी, और पॉसिबल फाइन, या आपको कोई पॉसिबल फाइन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 69, फेलर रिफ्यूज़ल टू डिक्रिप्ट डेटा। अगर आप डेटा को डिक्रिप्ट करने से मना कर देते हैं या उसको नहीं कर पाते हैं, आपका डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है नेटवर्क के थ्रू, राइट, अगर लेकिन अगर डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचा और वहां पे आपने उसको डिक्रिप्ट करने से मना कर दिया, या फिर आपने डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ रैंसम अमाउंट मांगा, तो ये क्या है, ये एक क्राइम है, ओके। तो इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या आपको फाइन हो सकता है अप टू 1 लाख, राइट।
देन सेक्शन 17 सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टिव सिस्टम. जब आप क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो एक सिक्योर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. मान लो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं. इस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, 10 years की इम्प्रिजनमेंट और फाइन, राइट. सेक्शन 71 Whoever make any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller or the certifying authority for obtaining any license or electronic signature certificate. अगर आप लाइसेंस लेने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ भी आप गलत अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, या आप कोई भी गलत काम की हेल्प से सर्टिफिकेशन लेते हैं, अथॉरिटी लेते हैं, उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 1 lakh. मीन्स आप क्या कर रहे हो, फेक आइडेंटिटी की हेल्प से सर्टिफिकेट ले रहे हो, राइट. आप आइडेंटिटी थेप करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ले रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपको यहां पे पेनल्टी मिलेगी, राइट. 3 years की इंप्रिजनमेंट और 1 lakh rupees, फाइन, ओके. आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट्स. आईटी एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए. अ मेजर अमेंडमेंट वाज मेड टू आईटी एक्ट इन 2008. आईटी एक्ट में मेजर चेंज किया गया 2008 में. इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A व्हिच पेनलाइज सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस. इसके अंदर सेक्शन 66A को इंक्लूड किया गया, जहाँ पे ऑफेंसिव मैसेज के लिए भी पेनल्टी को इंक्लूड किया गया, राइट. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69, इसमें सेक्शन 69 को भी इंक्लूड किया गया, विच गेव अथॉरिटी द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स. तो यहाँ पे अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो किसी को भी मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क, राइट. जैसे मान लो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई बात हो रही है या फिर दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, तो यहाँ पे अथॉरिटी उनकी बातचीत को, उनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है, ओके. इंटरसेप्ट मतलब हैक कर सकती है, ओके. और उनको मॉनिटर कर सकती है, उनकी बातचीत को, उनकी कम्युनिकेशन को सुन सकती है, राइट. और उसको रिकॉर्ड कर सकती है, राइट. और आप जो डेटा ट्रेवल होता है नेटवर्क के थ्रू, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी दी गई कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सके, वो जान सके कि कौन सा मैसेज ट्रेवल कर रहा है, किस डिवाइस से किस डिवाइस पे क्या मैसेज ट्रेवल किया जा रहा है, क्या मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है. तो डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स, तो वो किसी भी डिवाइस का कोई भी डेटा इंटरसेप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके, क्रिप्ट कर सके, राइट. अमेंडमेंट्स ऑल्सो कंटेन पेनल्टीज. अमेंडमेंट्स में कुछ और पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, राइट. जो बच्चों के साथ गलत जो होता है, मतलब दिखाया जाता है, उसके लिए, ओके. साइबर टेररिज्म मीन्स भड़काऊ भाषण या टेररिज्म फैलाना नेटवर्क के थ्रू, उसके लिए पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया. एंड वॉयरिज्म के लिए भी, राइट. वॉयरिज्म भी क्या होता है, इट्स enjoying the sexual act, right. तो यहाँ पे ये सब भी कोई कर रहा है, तो अगर उसकी complaint होती है तो उसके लिए भी penalties हैं, right. The act was passed in December 2008. Act को December 2008 में pass किया गया and came into force in October 2009. और ये act implement होना कब start हुआ, October 2009 में, right. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.